हेलो एवरीवन, इस वीडियो का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो कि अमीनो एसिड के पॉलीमर्स होते हैं, उनके चार बेसिक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। सबसे पहला प्राइमरी स्ट्रक्चर। अगर अमीनो एसिड्स एक प्रोटीन की चेन में लीनियरली अरेंज हैं, यानी कि एक सीधी अरेंजमेंट में अरेंज हुए हुए हैं, तो वो हमारे पास कहलाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर जो बॉन्ड्स पाए जाते हैं वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड, और इसकी अगर मैं कोई मिसाल लेना चाहूँ तो मेरे पास होती है इंसुलिन हार्मोन। सिमिलरली हमारे पास दूसरा स्ट्रक्चर पाया जाता है, वो कहलाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अगर मेरा प्राइमरी स्ट्रक्चर लीनियर अरेंजमेंट के बजाय कॉइल हो जाए और एक हेलिकल या ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर बना ले, हेलिकल स्ट्रक्चर से क्या मुराद है वो आपको वीडियो में थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो अगर मेरा प्राइमरी स्ट्रक्चर कॉइल होकर एक ट्यूब्यूलर या हेलिकल स्ट्रक्चर बना ले, तो ये हमारे पास कहलाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसके अंदर दो तरह के बॉन्ड्स पाए जाते हैं, जो कि होते हैं हाइड्रोजन और सल्फाइड बॉन्ड्स। और अगर मैं इसकी कोई मिसाल लेना चाहूँ तो मेरे पास होती है स्पाइडर वेब और हेयर। तीसरा हमारे पास स्ट्रक्चर पाया जाता है टर्शरी स्ट्रक्चर। मेरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर अगर फोल्ड होके एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना ले, तो ये मेरे पास कहलाता है टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर चार तरह के बॉन्ड्स पाए जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड। और इसकी मिसाल होती है लाइसोजाइम एंजाइम, जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिग्रेड करने के काम आता है। आखिरी हमारे पास होता है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। अगर मेरे पास दो या दो से ज़्यादा टर्शरी स्ट्रक्चर्स आपस में जुड़ जाएं, तो ये मेरे पास कहलाता है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर मेरे पास दो तरह का होता है, यानी कि होमोजेनस या हीट्रोजेनस। अगर जुड़ने वाले सब यूनिट्स जो कि क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बना रहे हैं सिमिलर हैं, यानी कि एक दूसरे जैसे हैं, तो ये मेरे पास कहलाता है होमोजेनस क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। और अगर मेरे पास एक क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में जुड़ने वाले सब यूनिट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तो ये मेरे पास कहलाता है हीट्रोजेनस क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। इस फोर्थ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। यहाँ पे एक डायग्राम गिवन है जिसमें हमें चारों प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को डायग्रामेटिक फॉर्म में प्रेजेंट करके दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से अभी हमने डिस्कस किया, चारों स्ट्रक्चर्स की अरेंजमेंट कुछ उसी तरह की है। आइए अब इससे रिलेटेड एक सवाल को सॉल्व करते हैं। इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि विच टाइप ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर कंटेन्स अ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, यानी वो कौन सा प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है जो कि 3D होता है। हमने अभी इसको पढ़ा कि टर्शियरी स्ट्रक्चर हमारे पास 3D होता है, और यही इसका सही जवाब। थैंक यू सो मच।